एक्सरसाइज 7.3 ऑफ क्लास 9। चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। 7.1 और 7.2 पढ़ चुके हैं, 7.3 क्वेश्चन क्या है? ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल, ओके। एंड ए डी लाइन को पी तक प्रोड्यूस किया गया है। ए डी एक लाइन थी, इसको पी पॉइंट तक आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। पर आपको बोला गया है टू प्रूव एबीडी एंड एसीडी आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। एबीडी एंड एसीडी आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले हम इसी को देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, अब देखो एबी एसी के इक्वल है, देन एबी एसी के इक्वल है, बीडी डीसी के इक्वल है, बीडी डीसी के इक्वल है, एंड दोनों में एडी कॉमन है, दोनों में एडी क्या है? कॉमन है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम एस 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 ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी। अब यहां पर बाय सीपीसीटी क्या बनेगा? देखो बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इक्वल लिखना है? और क्यों लिखा? मुझे तो ठीक है पता था या पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं। आपको क्या करना है, बाय सीपीसीटी से जो जो चीजें इक्वल बनती है वो सब लिख दो और फिर आगे काम में ले लेना। अब जैसे देखो सेकंड के लिए, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए बी पी एंड ए सी पी। अब देखो पहले हमने लिखा बी ए पी, इस एंगल को सेंटर वाला है, हमने डी ना लिखे पी लिख दिया, बी ए पी, और यहां लिखेंगे सी ए पी, देन सी ए पी लिखा। अब देखो सी ए पी, और दूसरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी। अब देखो सेंटर वाला एंगल देखो, ये बी और सी इक्वल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है इसके, और दो एंगल्स के बीच की साइड भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। तो फ्रॉम ए ए एस ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। अब इससे क्या बना? बाय सीपीसीटी, अच्छा इसको इक्वेशन वन नाम देते हैं, ठीक है। बाय सीपीसीटी बीपी इक्वल टू सीपी, बीपी इक्वल टू सीपी, इसको इक्वेशन टू नाम देते हैं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अच्छा वन में क्या गिवन है कि एपी लाइन जो है एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, टू में क्या गिवन है कि एपी लाइन जो है बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब अच्छा एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी, तो ये तो हो गया एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी। आपको सिंपल एक स्टेटमेंट लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन से दैट एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी, ठीक है। इसको भी तो करेगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब देखो एपी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस यहां पे 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। अब इधर देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी ए, डन। बी पी ए एंड सी पी ए इक्वल लिख सकते हैं सीपीसीटी से। अब इन दोनों को ऐड करो, बी पी ए सी पी ए इक्वल टू वन, नीचे आएगा एक ही लाइन पे एंगल बन रहे हैं। अब यहां बन जाएगा टू एंगल बी पी ए, कैसे? इस सीपीए को हटा के लिख दिया बी पी ए, तो ये आ गया 180 डिग्री, तो एंगल बी पी ए जो है वो बन गया 90 डिग्री, डन, हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर टू, टोटल फाइव क्वेश्चंस हैं, थ्री क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा और थ्री टू क्वेश्चंस आपको सेल्फ करने। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, गिवन क्या है, टू साइड्स एपी एंड बीसी एंड मीडियन एएम ऑफ पॉइंट ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। अब देखो यहां पर दो ट्राइंगल्स हैं, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, ये हो गए मीडियन ए एम और ये हो गए मीडियन बी एन, देन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी क्यू, देन एंड बी एम इज इक्वल टू सी एन क्यू एन, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, एंड क्या गिवन है, AM is equal to PN. AM is equal to PN. Then to prove, अब ये क्या प्रूव करना है, ये देखो to prove triangle ABM is congruent to triangle PQM, second triangle ABC is congruent to triangle PQR। अब देखो given क्या, दो triangle है ABC एंड पी क्यू आर, ए एम जो है इसकी मीडियन है, पी एम इसकी मीडियन है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी एम क्यू एन के इक्वल है और ए एम पी एन के इक्वल है, ठीक है। अब आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है। पहले मीडियन क्या होता है, मीडियन ट्राइंगल के जिस वर्टेक्स से निकलती है उस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे अब ये ए पॉइंट से निकली, ए वर्टेक्स से निकली, तो इसने इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और जिस साइड पे जाके गिरी है उसको भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मींस बीएम इक्वल टू सीएम, बीएम इक्वल टू सीएम एंड क्यूएन इक्वल टू आरएन, ठीक है। ये मीडियन है इसीलिए हुआ, ठीक है। अब जैसे ट्रायंगल इन दोनों कॉन्वेक्स प्रूफ करना, ये पहले से हो गया, देखो एबी पीक्यू के इक्वल, बीएम क्यूएन के इक्वल, एएम PN के इक्वल, ये तो पहले से गिवन है। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, अब देखो इसमें ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ए एम जो है पी एन के इक्वल है एंड बी एन जो है वो क्यू एन के इक्वल है, ये तो डायरेक्ट गिवन है। तो क्या लिखिए, बाय सीपी फ्रॉम एस एस एच ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है, ये लिखा। अब देखो आगे, अब इसमें जो सीपीसी से आता है वो हमें हेल्प करेगा दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखो कैसे, जैसे अब देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ABN PQN के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय CPCT, बाय CPCT वी कैन दैट वी कैन राइट ABC इज इक्वल टू PQN, ठीक है। हमने ये लिखा कि भाई जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो,
हो गया तो ये एंगल भी इक्वल होगा। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब इसमें देखो ए बी और पी क्यू इक्वल है, ए बी और पी क्यू इक्वल है और एंगल ए बी सी इज एंगल इक्वल टू पी क्यू एन। अच्छा हमें तो ये पूरा सिर्फ एंगल से मतलब है सेंटर, अब एम की जगह सी भी लिख सकते हैं तो सी लिखा और यहां पे एन की जगह आर लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एंगल तो सेंटर वाला है। अब देखो हमें पता है कि बी एम इक्वल टू क्यू एन, बी एम इक्वल टू क्यू एन बोथ साइड टू से मल्टीप्लाई किया, टू से मल्टीप्लाई किया, इसको लिखा बी एम प्लस बी एम, इसको लिखा क्यू एन प्लस क्यू एन, इसको लिखा बी एम प्लस सी एम, बी एम और सी एम इक्वल है, यहां पे क्यू एन और एक क्यू एन की जगह लिखा आर एन, तो हमें यहां क्या मिला कि बी सी इज इक्वल टू आर क्यू, आर क्यू। ठीक है अब देखो ये दो साइड के बीच में आने वाला एंगल इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई और इनके बीच में आने वाला एंगल इक्वल है, तो क्या लिखिए बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो ये भी हो गया। ठीक है नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन विद ए बी इक्वल टू ए सी देन एंड ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, टू शो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब देखो ए बी सी, ठीक है एक ऐसा ट्राइंगल है आइसोसेलेस, ये इसके इक्वल है और ये इसके परपेंडिकुलर, मींस ये 90 का बनेगा, ये 90 का बनेगा। अब हमें ये प्रूफ करने की, ये एंगल इक्वल है ये प्रूफ करो, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। अब देखो कभी कभी तो हमें ट्राइंगल कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, कभी कभी क्या करेंगे उसके सीपी सीटी वाले पार्ट पूछ लेते हैं, अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्वेक्स प्रूफ किया तो सीपी सीटी से हमें ये भी मिल जाएगा। कैसे देखो ए बी, अच्छा फर्स्ट हम लिखिए ए बी बी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी पी बी, 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी इक्वल टू ए सी और दोनों में ये ए पी कॉमन है। ठीक है तो ये कौन सा रूल बनेगा, देखो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो यह बनेगा फ्रॉम फ्रॉम आर एच एस ट्राइंगल ए बी बी कॉन्वेक्स टू ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है अब यहां लिख देंगे बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देन क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही लगेगा आर एच एस, आर एच एस रूल क्या होता है, दो ट्राइंगल्स पे राइट एंगल होगा और राइट एंगल के सामने वाली साइड दोनों में इक्वल होगी और पीछे कोई भी एक साइड इक्वल होगी। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ओके।